सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी के निर्देश पर एसीएमओ डॉक्टर एनके पांडे ने बुधवार को पैडलीगंज स्थित इशु हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बेहतर नहीं मिला। मौके पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं मिला, जबकि आईसीयू में कई गंभीर मरीज भर्ती थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। गंभीर रूप से बीमार मरीजों का कोविड टेस्ट तक नहीं किया गया था। अस्पताल में अव्यवस्था को देखते हुए सीएमओ ने तत्काल पंजीकरण निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से कोई भी नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। मौजूदा समय में भर्ती मरीजों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, इशू हॉस्पिटल की कई शिकायतें आई थी, जिसके संदर्भ में अचानक उनकी जांच कराई गई। वो पाया गया कि उनके यहाँ काफी अनियमितताएं हैं, खास करके कोविड मरीजों के रेफरल को लेके। कोविड के मरीज को वो भर्ती रखते हैं, उसके बाद 11th आवर पर रेफ़र करते हैं, जबकि उसके बचने की संभावना नहीं रहती। इस बात की शिकायत बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी कल भी एक केस रेफ़र होने पर किया था। आज जब जांच कराई गई तो पाया गया कि उनके यहाँ कोई चिकित्सक नहीं था, बायोमेडिकल का कोई निस्तारण नहीं हो रहा था। उनके आईसीयू में पेशेंट भर्ती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिला। इसके तहत उनको नोटिस दी गई और उनका अस्पताल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मरीज़ अभी भर्ती थे। उनको डिस्चार्ज करें और उनको किसी भी मरीज़ को भर्ती करने की परमिशन नहीं है, और इसकी फिर विस्तृत जांच होगी। मरीज़ उनके 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, उसके बाद नया कोई मरीज़ वो ले नहीं सकते, और उसके बाद उनका अस्पताल सील कर दिया जाएगा। जाँचों उपरान्त देखा जाएगा कि वो कैसे क्या है उनका।